एप्लीकेशन है फिजिक्स में। डिफरेंट इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखते चलिए आप लोग लिखते चलिए, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या पढ़ें इसको, क्या पढ़ें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जैसे यहां पर मान लीजिए डी बाई डी एक्स, डी वाई या डी टी, तो इसको क्या पढ़ें डी बाई डी टी को क्या पढ़ें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, नहीं यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो क्या पढ़ेंगे आदित्य बेटा, आदित्य इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे टी है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, लिखते चलिए। इसको क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या पढ़ेंगे टू वाई, बढ़वा के yes. समझ में आ रहा है बेटा, अब इसके रूल्स देखिए, इसके रूल्स देखिए, रफ करूं क्या, रफ करूं, यस सर, देखिए यदि y इक्वल टू x पावर n हो, ऐसा हो y इक्वल टू एक्स एस पावर वन हो और n, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, नहीं समझ में आएगा नहीं बोलना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स एस पावर एन बाई डी एक्स, क्लियर बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स, वाई के प्लेस पे एक्स एस पावर एन लिखा, y के प्लेस पे क्या लिखा x रेस पावर n, y के प्लेस पे क्या लिखा x रेस पावर n बाय dx, d x रेस पावर n बाय dx, समझ में आ रहा है बेटा, हाँ या ना, यह बात समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, आवाज दीजिए, रिप्लाई करिए सभी बच्चे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, सिंपल नहीं समझ में आएगा, साक्षी के अलावा भी सभी लोग, आप लोग रिप्लाई करिए, श्रुति सोनाली ये सब आप लोग रिप्लाई करिए, y इक्वल टू एक्स एस पावर, हम नया चीज सिखा रहे हैं, यह यूज है फिजिक्स में, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसको क्या पढ़ेंगे y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या पढ़ेंगे श्रुति, श्रुति रिप्लाई करिए, y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या पढ़ेंगे, आवाज आ रही है आप लोग के पास श्रुति सर, फिर एक बात बोल लो, y देखो y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ में आया, ये नया वर्ड है, तो y के प्लेस पे क्या होगा जल्दी बताओ, y इक्वल टू कितना x एस पावर n, y इक्वल टू क्या x एस पावर n, लिखेंगे x एस पावर n differentiate with respect to x, clear हो, y के प्लेस पे क्या है x is power n, x is power n differentiate with respect to x, समझ में आया, yes sir, अब इसका तरीका क्या है, इसको differentiation करने का तरीका, इसमें जितना भी पावर है, पावर यहाँ पे n क्या है, n क्या है पावर है, तो जो भी पावर है पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे पावर को मल्टीप्लाई, तो पावर n है n को मल्टीप्लाई, और जो पावर था
उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर लिया, एन था एन माइनस वन इनटू यह जो वेरिएबल एक्स है ना, एक्स को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टी, समझे क्या? या एक्स था ना, एक्स को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टी, डीएक्स बाय डीएक्स कैंसिल, बचा क्या एन एक्स इज फॉर माइनस। समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं जानता हूं नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, चलेगा चलेगा। yes, sir. अब yes, sir. एक एग्जांपल दे, एक एग्जांपल, जैसे y इक्वल टू x रेस पावर 4, ये बात समझ में आ रहा है? y इक्वल टू x रेस पावर 4 समझ में आ रहा है? yes sir. yes sir. इसको डिफरेंशिएट करना dy by dx, y के प्लेस पे क्या होगा, होगा y के प्लस में क्या होगा x रेस पावर 4, y इक्वल टू क्या होगा x रेस पावर 4। अब हमने बोला पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टी, कितना आएगा dx by dx cancel, बचा कितना 4 x raised power 3। क्लियर हुए? यस सर। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल, y इक्वल टू x इज पावर 6 कैसे बनाएंगे, रफ करूं इसको रफ कर दूं, रहने दो सर, लिख लीजिए पहले इसको, लिखिए रब करो इसको। यस सर। dy by dx ठीक है, y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू क्या है 10^6 x, 10 and power 6 differentiate with respect to x होगा, समीक्षा देश मुख बोलिए, रिप्लाई करिए बेटा, यहां पे पावर कितना है जल्दी बताइए, 6, तो 6 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद का रूल क्या है समीक्षा बोलिए, उसके बाद रूल क्या है समीक्षा बोलिए, पावर कितना है 6, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और यहां पे क्या है x और यहां पे क्या है x, x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन dx by dx कैंसिल, बचा क्या 6 x रेस पावर 5, समझ में आया समीक्षा, समझ में आया? यस सर। सर फिर से एक बार, सर फिर से एक बार, एक बार एक बार पावर कितना है बेटा बोलिए, रिप्लाई करिए पावर कितना है रिप्लाई करिए, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से वन क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और इसको इसी के साथ क्या करेंगे डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन,
dx by dx कैंसिल होगा, बचेगा क्या? समझ में आया? समझ में आया? यस सर। पढ़े आगे? यस सर। रब करूं इसको? एक मिनट सर। पे आप आगे बढ़े? यस सर। आगे किसको डिफरेंशिएट करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे? एक्स इज पावर 9। पावर कितना है जल्दी बताइए, पावर कितना है? 9। तो 9 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 9 में से क्या करेंगे? 1 सबट्रैक्ट। एक्स को एक्स के साथ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएट। तो डीएक्स बाय डीएक्स कैंसिल हो गया, बचा कितना? 9 एक्स रेस पावर 8। क्लियर हुआ सर? बढ़ो आगे। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक्स इज पावर 7, क्या डिफरेंशिएशन होगा? डीवाई बाय डीएक्स, डी एक्स इज पावर 7 dx। पावर कितना है? 7। तो पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या आ जाएगा? 7 x इज पावर कितना बचेगा? 6। समझ में आया? यस सर। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? यस सर। आप अब आप बनाइए, फिर एक्स इज पावर 10 है, अब इसको बना के बताइए मेरे क्या होगा। बनाइए। 10x raised to 9। गुड, कौन बताया? और बच्चे? और बच्चे? क्या आएगा? dy by dx, dx is power 10 by dx। x के पावर कितना है? 10। पावर को मल्टीप्लाई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए और x को x के साथ मल्टीप्लाई किए इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। dx बाय dx कैंसिल, बचा कितना? 10 x रेस्ट पावर 9। समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। समीक्षा, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा बेटा। यस सर। इसको बनाइए आप, इसको आप खुद सॉल्व करिए। सॉल्व करिए।
सर 15x raised to 14। गुड, सही है। और बच्चे, और बच्चे, समीक्षा, श्रुति। सर उसका राइट है। गुड, यस। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रेस फॉर 15 डी एक्स, पावर मल्टीप्लाई पावर में से वन सब्ट्रैक्ट और एक्स को एक्स के साथ डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। आइए नेक्स्ट रूल। यदि y इक्वल टू k इंटू एक्स रेस पावर n हो, k मतलब एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट का मतलब एनी नंबर, समझ में आ रहा है क्या? एनी नंबर जैसे 1, 2, 3, 5, 10, 15 कुछ भी रहे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, समझिए। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, हाँ या ना? यस सर। अब के क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा अगर कांस्टेंट किस, या कांस्टेंट कहलाएगा या वेरिएबल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, देखो इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट, और इसको क्या कहेंगे, एक्स को वेरिएबल। तो जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो क्या करेंगे, जब कांस्टेंट वेरिएबल, हेलो, हाँ नमस्ते सर, क्लास में मैं 5 बजे तक, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को कान पकड़कर बाहर बाहर कर दें, ठीक है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो कांस्टेंट को कान पकड़कर बाहर कर देंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन आता है आपको, बोलिए क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है, x डी एक्स पावर एन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, समीक्षा आता है आपको, समीक्षा अब आज रिप्लाई करो, देखा क्या इसका डिफरेंशिएशन आता है आपको? नो सर, फिर से एक बार बता। मैं बोला k इंटू डी एक्स पावर एन बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है? यस सर। क्या है, क्या होगा, जल्दी बताइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए, तो फिर से एक बार बताओ ना, यहाँ पे पावर क्या, एक्स के पावर क्या है, एक्स पे कितना पावर है, समीक्षा बताइए, एन, एन को क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर हुआ, समीक्षा समझ में आया? यस सर। उसके बाद पावर को एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, और एक्स को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, क्लियर ना बेटा, क्लियर ना? यस सर। क्या हो जाएगा, डीएक्स बाई डीएक्स कैंसिल, बचा क्या, के इंटू एन into x raised power n minus 1, क्या समझ में आया? Yes sir। लिखिए, लिख लिए। Yes sir।
y इक्वल टू 3x एस पावर 4, y इक्वल टू 3x एस पावर 4 कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सही है, समीक्षा बताइए, समीक्षा बेटा yes, थ्री क्या है, कैसे बनेगा बताइए? थ्री क्या है, थ्री क्या है समीक्षा? वाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कान पकड़कर बाहर, कांस्टेंट को बाहर कर दें, अभी बताया। अब बताइए इतना का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इतना का डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका बताइए समीक्षा? फोर इंटू एक्स इज पावर 4 माइनस 1, गुड गुड, इंटू आगे बोलिए समीक्षा? 4 dx by dx, समझ में आया? x को x के साथ, समझ में आया नहीं आया जल्दी बोलिए। यस सर, dx by dx कैंसिल, 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, और x इज पावर 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। सभी बच्चे को समझ में आया? साक्षी, श्रुति, यस सर। कुछ और एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू 5 इंटू x रेस पावर 8, बताइए क्या? बना रहे हैं? यस सर। कितना आएगा? 40x raised to 7। और बच्चे, श्रुति, समीक्षा, आदित्य, आपको तो ये बच्चा वाला लग रहा होगा, आदित्य बेटा? यस सर। अब आपको बोर हो रहा होगा इसमें? नो सर। 14x raised to 7। समीक्षा देखिए कैसे, 5 कॉन्स्टेंट है, कान पकड़ कर बाहर, पावर कितना है 8, 8 माइनस 1 डीएक्स बाय डीएक्स कितना आ जाएगा, 5 एट जा और 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा, 7। क्या समझ में आया? यस सर। रब करूं? यस सर। नेक्स्ट रूल थर्ड रूल, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, y इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट, तो क्या आएगा dy by dx, और यहां पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कॉन्स्टेंट का डिफरेंस, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, एनी नंबर, अभी बताया था, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, क्या होता है, जीरो। जैसे y इक्वल टू 4, सिर्फ 4, y इक्वल टू 4 तो क्या होगा, फोर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे y इक्वल टू इतना, पता नहीं कई दारे सैकड़ा ज्यादा जला 1 लाख, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
क्या होगा, बोलिए। कोई भी नंबर रहे, कोई भी नंबर रहे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। जीरो, लेकिन सिर्फ नंबर होना चाहिए, बात ध्यान देना, सिर्फ नंबर होना चाहिए तब जीरो। बढ़ो आगे, बढ़ूं आगे? यस सर। चलो, आगे देखिए, वाई इक्वल टू, मान लीजिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर फोर, वाई इक्वल टू एफ वन एक्स, फंक्शन है, रूल है, बताऊंगा अभी, ये रूल नहीं समझ में आएगा, जब एग्जांपल बताऊंगा तब समझ में आएगा, इसलिए समझिए। पर y इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स प्लस डॉट डॉट एफ एन एक्स, अगर ऐसा हो और डिफरेंशिएट करना हो तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ वन एक्स डी एक्स, डी एफ टू एक्स डी एक्स, डी एफ थ्री एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 डी एफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिखिए, लिखिए, दब करो बेटा, यस सर। अब क्वेश्चन लिखे इस पे मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, देखिए एक फंक्शन यह हो गया, दूसरा फंक्शन यह हो गया, तीसरा फंक्शन हमने अभी बताया था एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स, देखिए यह फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, और भी आगे हो सकता है, तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को कैसे डिफरेंशिएट, समझिए, डी वाई बाय डी एक्स, ध्यान दो सभी लोग, वाई के प्लेस पे कितना है, वाई के प्लेस पे कितना है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, क्लियर बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, समझ में आया? यस सर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्ली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, पढ़े हैं ना आप या नहीं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है? यस सर। कितना है देखिए, तुम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस प्लस, ये बात समझ में आया सबको, ये बात सबको समझ में आया? यस यस सर। अब फिर से बताओ। यस सर। नो सर। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, थ्री, थ्री को कान पकड़ कर बाहर, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, टू, टू को कान पकड़ के बाहर, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी बताया था, बोलिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो,
पता है ना बेटा क्या है? त्रिभाग टू बाहर प्लस जीरो, क्लियर क्लियर। अब देखिए पावर कितना है, टू मल्टीप्लाई पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक्स को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस डीएक्स बाय डीएक्स कैंसिल, बचा कितना टू। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां पे भी डीएक्स बाय डीएक्स कैंसिल, बचा क्या थ्री टू जा सिक्स एक्स एस पावर वन, क्लियर प्लस टू। ये बात सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। सभी बच्चे को सही से बोलो यस सर। यस सर। रफ करो एक मिनट सर। सर कैमरा थोड़ा नीचे लो। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, करिए तुम करिए, जल्दी करिए, होगा? यस सर। बता दूं वेट सर। सर 18x रेस टू 5 प्लस 4x। 18 क्या बोले? 5 है ऊपर, 5 है 18 x नहीं सर, आंसर x इज पर 5 है, ये ध्यान देना। क्या सूती बन रहा है बेटा? बोलिए सर एक्सप्लेन कीजिए। x रेस टू 4 प्लस 4 है। हाँ देखिए देखिए कट जाएगा रीज्वाइन हो जाना, कट जाएगा तो रीज्वाइन हो जाना, कट जाएगा तो रीज्वाइन हो जाना। देखो
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, क्या आएगा? डी थ्री एक्स इज पावर फाइव बाई डी एक्स प्लस डी टू एक्स इज स्क्वायर बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस सब बातें समझ में आया नहीं आया ये बताओ, यहां तक समझ में आया नहीं आया? यस सर, यस आया। सभी बच्चे को सर, यहां थ्री कांस्टेंट कान पकड़कर बाहर, टू कांस्टेंट कान पकड़कर बाहर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन